नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो ऑल अप टू डेट पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपके लिए नई नई जानकारी वर्धक वीडियो लेके आते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद जरूर आती होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे जो है मोटिवेशन हमारा अप हो जाता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि YouTube पर वीडियो अगर अपलोड करेंगे आप तभी आप पैसे कमाने के लायक हो पाएंगे, और कैसे लायक हो पाएंगे आप यूट्यूब पर वीडियो डाल के, तो वह हम आप लोगों को आगे जाके बताएंगे। फिलहाल आज का जो हमारा वीडियो है ये उसके बारे में है कि यूट्यूब पर आप कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत से कमेंट हमें आते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, कई फ़ोन भी करते हैं कैसे, क्योंकि बहुत आज के दुनिया में क्या है, सब पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाए। तो हर एक आदमी ये सोचता है कि पैसा हमें ज़रूरी है, आज की बेसिक नीड से पैसा कमाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कई इच्छुक होते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल बने, हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, क्योंकि अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं, वे अपने अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई उसको लोगों के सामने उजागर करना और अपने कंटेंट लोगों के सामने ले जाना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये यूट्यूब में ज़रूरी है। तो इसलिए आपको हमने पहले चैनल कैसे बनाते हैं, क्या क्या कैटेगरी है, इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो हम ऊपर आई बटन में हमने एक हमारा नॉलेज फुल वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, वो हम हर बार हर जो वीडियो में डालते हैं उसको आप देख के, जो आपका काम के वीडियो हो आपको गाइडलाइंस देता हो वो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर बढ़ते हैं। दोस्तों, बता दें कि यूट्यूब में वीडियो आप तीन तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला है जो अपलोड करने का तरीका है वो हम आपको बताते हैं कि जैसे आप अपना ये आपका मैक्स प्लेयर है या जो आपकी वीडियो गैलरी है उसमें आप जैसे ही आप जाते हो, जैसे मैक्स प्लेयर में जाता हूँ मैं, इसमें क्या है जो भी वीडियो आपकी रहती है वो मैक्स प्लेयर में ऑलरेडी रहती है, जो भी वीडियो रहती है। तो आप इसमें मैक्स प्लेयर से भी आप अपनी वीडियो को जो है अपलोड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आपको बताते हैं। तो जैसे देखिए, ये मैंने ये अपनी वीडियो एक रिकॉर्ड कर रखी है स्क्रीन रिकॉर्ड, इसको मैं अगर यूट्यूब पर डालना चाहूँ तो यहाँ पर थ्री डॉट है, देखिए यहाँ पे थ्री डॉट है, इसको हम क्लिक करते हैं, ये शेयर नाउ व्हाट्सएप रीनेम ये आ गया, इसको बैक चलते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये इसका निशान बन जाएगा, यहाँ ऊपर जो थ्री डॉट हैं ये देखिए, ये थ्री डॉट हैं यहाँ पे, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं शेयर वाला ऑप्शन आ गया है, ये शेयर वाला ऑप्शन आ गया है शेयर, जैसे ही हम शेयर पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएगा कि आप किस किस को शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे हमने YouTube पे डालनी है तो अपनी वीडियो हम YouTube को क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ YouTube का भी ऑप्शन है, YouTube पे हम इसको क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी जरूर थोड़ी हो जाती है मेरी, लेकिन पूरी नॉलेज फुल रहती है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे। दोस्तों, तो ये आपको यूट्यूब पे आ गए हैं, क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह चैनल आप देखते हैं वीडियो तो आपका चैनल पहले से बना हुआ होगा, हमने चैनल बनाने के बारे में बता दिया है। तो ये आपका टाइटल आ गया, टाइटल जिस चीज़ के बारे में आप वीडियो बना रहे हो उसका आप टाइटल दीजिए, अगर सॉन्ग है तो सॉन्ग के बारे में उसका टाइटल लिख दिया, टेक्निकल की जो वीडियो है उसका लिख लीजिए, या कुछ भी है जैसे हाउ टू मेक मनी बाय नेटवर्किंग, इस प्रकार से ये आपका टॉपिक हो गया। तो आप इसको अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया हमने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपके चैनल का नाम है वो लिख दीजिए, जैसे हमारा वीडी वी ऑल अप टू डेट है, वी डी वी ऑल अप टू डेट्स, तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो आपका टाइटल है वो भी पेस्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, बता दें कि जो आपका वीडियो का है उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिखना है कि आप मेरी जैसे बाय अबाउट दिस वीडियो के नीचे आपने जो जो इस वीडियो में है, जो जो आप इसमें लोगों के सामने बताना चाहते हैं वो आप पूरा इसमें लिख दीजिए कि क्या क्या आपका वीडियो किस बारे में है किस में नहीं है। तो जो इसमें आप जो आपका चैनल के जो आपके जो लिंक होंगे सोशल मीडिया पे, वो भी आप इसमें फेसबुक का इंस्टाग्राम का वो भी आप इसमें लिंक शेयर कर सकते हैं कि आप हमें जो है इसमें फॉलो कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जैसे ही आप इस लोगों के पब्लिक है तो आपको पब्लिक करना चाहते हो पब्लिक पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप इसको अनलिस्टेड या प्राइवेट में, प्राइवेट होगा तो सिर्फ आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, फिलहाल पब्लिक की करोगे तो सब लोग उसको देख पाए, पब्लिक कर देना है। जैसे मैं अभी प्राइवेट कर देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताने के लिए खाली डाल रहा हूँ वीडियो, इसलिए मैं प्राइवेट करता हूँ। आप लोग जो सबको दिखाने के लिए डालोगे तो उसको प्राइवेट नहीं रखना, पब्लिक कर देना। तो जैसे ही आप इसके ऊपर जो ये नीले वाला निशान है ये वाला, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जो है वो यूट्यूब में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये प्रोसेस पूरा हो गया, प्रोसेस प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद, ये देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद आपका वीडियो जो है वो पूरा का पूरा जो है लोगों को देखने के लिए काबिल हो जाएगा। ये देखिए रेडी टू वॉच, अगर इसको हम ऑन करते हैं तो ये आपका वीडियो हो चुका है। अगर इसको आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो थ्री डॉट हैं ये आप इसको कर भी सकते हैं शेयर, जैसे शेयर है आप कहीं भी इसको, पहले इसको पब्लिक करेंगे फिर शेयर होगा ये, ठीक है दोस्तों। एक ये तरीका हो गया आप लोगों के पास वीडियो अपलोड करने का, मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। अभी हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा है। चलिए एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपने वीडियो ये पहले यूट्यूब को आपने ओपन कर लिया अपने को, फिर यहाँ पे देखिए ये कैमरे का निशान दिखा रहा है, आप कैमरे के निशान पर क्लिक करेंगे, कैमरे के निशान पर नीचे वीडियो लाइव पोस्ट आ गया, वीडियो पर आप क्लिक करेंगे। वीडियो आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप जो भी वीडियो अपना जो है उसमें अपलोड करना चाहते हैं उसको आप जो है कर सकते हैं। जैसे यही मान लो वीडियो ये हमने इसको क्लिक किया, सेम वही प्रोसेस आ गया, यहाँ पे आप टाइटल लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, प्राइवेट करना है तो प्राइवेट, पब्लिक करना है तो पब्लिक, सेम वही आगे ऐसे आ गया। ये होगा दूसरा तरीका दोस्तों। और अभी चलते हैं तीसरे मेथड, क्योंकि तीसरे आप किस प्रकार से अपना वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे हम बता रहे हैं तो वैसे शायद आज तक किसी चैनल वाले ने नहीं बताया होगा, और आप लोग बारीकी से बड़ा सीखिए, क्योंकि आप लोगों को चैनल बनाना, अपना फ्यूचर बनाना, इसलिए आपको एक से एक जो बारीकी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद आता है आपके अपने, अगर आप कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम है या ब्राउज़र है, ब्राउज़र फीचर आप यूज़ करते हैं तो आप ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, जैसे ही खुलने दीजिए, जैसे ब्राउज़र ये खुलेगा आपका और फीचर, इसमें भी एक यूट्यूब का ऑप्शन आता है, ये देखिए वीगो है, या अगर वीगो आ गया, गूगल आ गया, फेसबुक आ गया, गूगल ये आ गया, यूट्यूब, अगर आपका यूट्यूब नहीं है तो आप उसमें इसमें आप डायरेक्ट करके www.google इसमें youtube.com पे भी करके आ सकता है। तो इसमें भी हम जैसे क्लिक करते हैं यूट्यूब पे तो आप पहले से लॉगिन हैं उसमें, क्योंकि आप जो भी आपकी आईडी मोबाइल में डली हुई है वही उसी से आप चैनल चलाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आप लॉगिन नहीं है तो यहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, मैं पहले से लॉगिन हूँ इसलिए ये मैं लॉगिन हूँ। अगर आप लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखाई देंगे, उसके बाद आप इसको क्या है क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन पासवर्ड आईडी भर के इसमें करेंगे तो यहाँ आप डेस्कटॉप वर्जन होगा, नीचे डेस्कटॉप वर्जन में आप आएंगे तब जाके ये ऐसा पूरा जो है खुल पाएगा दोस्तों। तो अभी क्या है इसमें आपने कैसे करना है, अभी देखिए अभी जो यहाँ पे आपको ऊपर तीर का निशान दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे तीर का निशान है तो यहाँ आपने क्लिक करना है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जैसे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट फाइल टू अपलोड, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सब है, जैसे आप करना चाहते हैं अनलिस्टेड है प्राइवेट है। तो मैं जैसे अभी प्राइवेट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जो एरो का मार्क है ये वाला, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये ले जाएगा गैलरी में, कि गैलरी में से आप कौन सा वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं। तो जो भी आपने वीडियो अपलोड करना होगा वो आप उसमें अपनी फाइल में रखा होगा आपने, उसको आप कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो भी मेरे मैं वीडियो इसमें मान लो वीडियो रखा है वीडियो ऑल एंटरटेनमेंट्स पे, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ में मैंने कोई वीडियो जो है, जैसे मैं ये वीडियो मान लो ये वाली वीडियो मैं अपलोड करना चाहता हूँ तो इसको मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आपको ले जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ वहाँ पे वही है, यहाँ पे आप टाइटल अपना लिख लीजिए जो भी आपका हो, जैसे हाउ टू यूज पैन कार्ड, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसके बारे में वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने चैनल का नाम वीडियो अप टू डेट्स
नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जो यहाँ पे आपको दोस्तों बता रहे हैं, ये लिंक जो आपका टाइटल है वही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके अंदर फिर वही अबाउट वीडियो, वीडियो में आपके क्या क्या है क्या क्या नहीं पूरा उसमें बताना है। तो उसमें बता के इसमें क्या है कि यहाँ पे आपने टाइटल डालना है, टाइटल छोटे छोटे, जैसे कि जो आपके वीडियो जिस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, वो काम आप दोस्तों टाइटल जो टैग हैं वो आपके अच्छे पावरफुल वाले होने चाहिए, ताकि आपका वीडियो जल्दी सर्च में आए, रैंकिंग में आए, और वो टैग से ही हो पाएगा। तो टैग अच्छे डालने हैं, वीडियो से रिलेटिव डालने हैं। उसके बाद आप नीचे जो है टैग डालेंगे, टैग आपके दोस्तों वीडियो से रिलेटिव होने चाहिए, जो जो आप वीडियो में ऊपर टाइटल दिया है वो ऐसे ही छोटे छोटे टैग होने चाहिए, जैसे आपका वीडियो किस चीज़ के बारे में है तो ऐसे उसमें टैग डालने हैं, जैसे हाउ टू मेक मनी बाय जो YouTube, या कैसे भी जो छोटे छोटे टाइटल जो इसमें डालने हैं, जो फेमस आपके वीडियो से रिलेटिव हो और वो आपकी वीडियो को आपको पॉपुलर करेंगे, आपका वीडियो ग्रो होगा उससे और अच्छा वीडियो जो है वो होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद नीचे इधर आते हैं हम, आपका वीडियो इसको डाल सकते हैं नीचे, ये प्राइवेट है तो प्राइवेट रखना है आपने, अगर पब्लिश है तो पब्लिश कर देना है, उसे प्लेलिस्ट है, अगर आपने प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप अपना वीडियो प्लेलिस्ट में भी, जो आपने प्लेलिस्ट बना रखी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो प्लेलिस्ट में भी शामिल हो जाएगा। तो नीचे आते हैं, नीचे है कस्टम थंबनेल, है जो भी आपने अपने वीडियो के लिए पोस्टर बना रखा है या जो भी थंबनेल बना रखा है वो आप इसमें, आप जो कस्टम थंबनेल है ये आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको आप अपना क्लिक करेंगे तो सिर्फ गैलरी में ले जाए, गैलरी में जिस ऑप्शन में आपने जो है उसका थंबनेल सेव कर रखा है उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपका थंबनेल वो उसमें आ जाएगा, उसको आप जैसे वीडियो कंप्लीट होगा तो आपका थंबनेल वहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे मैं भी इसमें फ़ोटो में रखा है गैलरी में, तो फ़ोटो में ले जाते हैं, तो जो भी मैंने रात को एक वीडियो डाला था कि आप ट्राईपोड कौन सा यूज़ करते हैं, अच्छे वाला ट्राईपोड कौन सा है, बहुत ही सस्ते, अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो क्योंकि रात को लेट डाला था, आप जो है वो वीडियो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि यूट्यूबर जो अभी नए नए सब यूट्यूबर हैं वो अच्छे वाले ट्राईपोड यूज़ करते हैं, वही ज़्यादा है कि सस्ता भी है और बढ़िया भी है, किफ़ायती भी है, उसके बारे में वीडियो मैंने रात को डाला था, वो आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन में। इस प्रकार से उसका हमने फोटो चूज किया, यहाँ पर डाल दिया। तो अब जैसे ही आप लोगों का वीडियो कम्प्लीट होगा, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आप ऊपर अगर डन बटन में शेयर है, शेयर आप शेयर करना चाहते हैं अपना वीडियो किसी को भी, जैसे शेयर है फेसबुक में या किसी की मेल आईडी में उसको शेयर करना चाहते हैं, तो मेल आईडी लिख के ऊपर डन कर दीजिएगा। फिलहाल हम नहीं शेयर करें किसी के साथ, तो चलिए हम उसको कैंसिल कर देते हैं कि हम शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो कैंसिल करके हमने क्या किया, देखो आप लोग प्रोसेस पूरा होगा तो ऊपर हम जैसे ही डन पे क्लिक करते हैं, तो डन करने के बाद जो आपका वीडियो है वो लोगों के सामने पब्लिक हो जाएगा। अगर आप उसको अभी है जैसे प्राइवेट, प्राइवेट मोड से पब्लिक मोड में कर देंगे पूरा प्रोसेस होने के बाद, तो आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो लोग उसको देख पाएंगे दोस्तों। तो गाइस इसको हम पब्लिश कर देंगे, पब्लिक करने के लिए डन बटन पर क्लिक करेंगे तो पब्लिश हो जाएगा। फिलहाल गाइस जो आज का हमारा वीडियो था इसी टॉपिक के बारे में था, और आप लोगों को ये वीडियो हमारा कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स